गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन, और जो हमारा यूनिट 4 है शायद कम्युनिकेशन वाला, उसका पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। तो ऑलरेडी ये इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके आगे का जो कंटेंट है इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो उसमें मैंने बताया था कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बताएंगे द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज कम्युनिकेशन। पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाई कम्युनिकेशन, तो आप बताएंगे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या सिंपली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज इंफॉर्मेशन, इज नोन एज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में देखिए ब्लॉक डायग्राम है, सोर्स है, देखिए हमारा सोर्स है, उसके बाद ट्रांसमीटर है, फिर चैनल है, फिर रिसीवर है, फिर लास्ट में हमारा डेस्टिनेशन, और ये चैनल में नॉइज भी आ जाता है। तो दिस इज़ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें देखिए एक एक चीज़ें बताया गया, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय चैनल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज, व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवर, ये सारी पॉइंट देखो इस पर डिस्कस किया गया है। तो सोर्स क्या है, तो मेनली तो सोर्स है एक तरह से जो भी आप इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो, दैट इज़ नोन एज सोर्स। ठीक है, तो पहला देखो लिखा है कम्युनिकेशन सिस्टम सर्व टू कम्युनिकेट अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन। तो जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसका जो मेन काम होता है टू कम्युनिकेट अ मैसेज या इन्फॉर्मेशन। दिस मैसेज और इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द सोर्स। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड साउंड सिग्नल और ऑडियो सिग्नल। ये हमारा स्टूडेंट हो गया सोर्स के बारे में। दिस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट करना चाहते हो वो साउंड सिग्नल या ऑडियो सिग्नल हो सकता है। उसके बाद देखो ट्रांसमीटर क्या करता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है, वो है ट्रांसमीटर। देखो ये ट्रांसमीटर क्या है, तो व्हेन अ मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस बाय द सोर्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल वेव, द ट्रांसमीटर टू कन्वर्ट फ्रॉम ऑडियो वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वेव। ट्रांसमीटर एक तरह से हमारा है, वो उस ऑडियो वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है, और ट्रांसमिटेड टू इलेक्ट्रिकल वेव इनटू द रिसीवर। तो ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिकल वेव को ट्रांसमिट करेगा इनटू द रिसीवर। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है चैनल। अब देखो चैनल क्या है, तो इट मीन्स द मीडियम बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन विच ट्रेवल टू इलेक्ट्रिकल वेव। चैनल एक तरह से मीडियम है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में होता है, चैनल के थ्रू ही कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है और जाता है रिसीवर को। द फंक्शन ऑफ चैनल, मेन काम क्या है फंक्शन के चैनल का, इट प्रोवाइड ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक तरह से ये फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा है नॉइज। तो नॉइज क्या किसे कहते हैं, तो नॉइज में इंटरफेस विद सिग्नल एट एनी पॉइंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो नॉइज एक तरह से अनवांटेड सिग्नल होता है जो कि किसी भी कम्युनिकेशन में प्रेजेंट होता है। नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल विच आर प्रेजेंट इन एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। नॉइज में इंटरफियर विद सिग्नल एट एनी पॉइंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। व्हेन द नॉइज इज सीवियर इट कैन मेक द इंफॉर्मेशन यूजलेस। तो जब नॉइज आपका ज़्यादा होगा किसी भी सिस्टम में, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज की वैल्यू ज़्यादा है, तो इट कैन मेक द इंफॉर्मेशन यूजलेस। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है रिसीवर। द फंक्शन ऑफ रिसीवर इज टू रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और द इलेक्ट्रिकल बीव
द रिसीवर परफॉर्म्ड अ प्रोसेस विच इज़ रिवर्स टू वॉट वॉज डन एट द ट्रांसमीटर स्टेज। तो ट्रांसमीटर के स्टेज में जो भी प्रोसेस परफॉर्म होगा उसका रिवर्स प्रोसेस हमारा रिसीवर में परफॉर्म होगा। लास्ट में हमारा डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन इज द फाइनल स्टेज विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल वेव इन टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म और साउंड वेव और ऑडियो वेव। डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन इज द फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज है जो कि यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल वेव इन टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म और साउंड वेव और ऑडियो वेव। डेस्टिनेशन में क्या होता है, द डेस्टिनेशन इज अ लाउड स्पीकर विच ऑपरेट एज अ ट्रांसड्यूसर। तो देखो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू द अनदर फॉर्म, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डेस्टिनेशन इज अ लाउड स्पीकर विच ऑपरेट एज अ ट्रांसड्यूसर सच दैट इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल साउंड सिग्नल। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, तो सबसे पहले तो मॉड्यूलेशन जानिए, तो मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरी इन अकॉर्डिंग विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मेनली दो सिग्नल इसमें हमारा होता है स्टूडेंट, एक मैसेज सिग्नल और एक कैरियर सिग्नल। मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज ऑन द कैरियर सिग्नल, दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। और उसके बाद या इसमें दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मैसेज सिग्नल या इन्फॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल या इंटेलिजेंस सिग्नल उसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, और आफ्टर मॉड्यूलेशन जो हमको सिग्नल मिलता है दैट इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो क्यों मॉड्यूलेशन करते हैं, तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन ड्यू टू दिस स्टेप विच आर गिवन बिलो। पहला रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना या प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना। तो मैंने बताया था आपको कि जो भी सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ एंटीना। कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीना, और फॉर बेटर रेडिएशन एंड रिसेप्शन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना मस्ट बी क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी यूज्ड। तो देखिए इसमें बताया गया है द मॉड्यूलेशन इज टू डिक्रीज टू हाइट ऑफ द एंटीना, लैम्डा इज इक्वल टू सी वाई एफ आप लोगों ने पढ़ा है, या एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई एफ वेयर एल इज द प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना। केस वन और केस टू दो केस बनाया है कि जब फ्रीक्वेंसी अगर 15 किलो हर्ट्ज है तो लैम्डा की देखिए वैल्यू कितनी होगी, और वहाँ से लेंथ ऑफ एंटीना निकालना है लगभग 5 किलोमीटर। तो दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द प्रैक्टिकल हाइट ऑफ द एंटीना, हैंस वेरी नेसेसरी ऑफ मॉड्यूलेशन। जब आप मॉड्यूलेशन करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इट विल अराउंड 15 मेगाहर्ट्ज़। 15 किलोहर्ट्ज़ से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 15 मेगाहर्ट्ज़ हो गई, और उस केस में जो लेंथ ऑफ एंटीना आया है स्टूडेंट वो 5 मीटर आया है। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर द प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना, यह पॉसिबल है प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना के लिए। दूसरा है इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, तो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी इससे इंक्रीज कर जाता है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस इन टू द स्पेस, हाउ एवर मॉड्यूलेटेड वेव या ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, सिग्नल की मिक्सिंग को भी अवॉइड करता है। इट्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ऑल ऑफ देम वुड बी मिक्सड अप, हाउ एवर बाई मॉड्यूलेशन डिफरेंट मैसेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट एनी इंटरफेरेंस। बता रहा है कि बाय द मॉड्यूलेशन डिफरेंट मैसेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली विदाउट एनी इंटरफेरेंस। और चौथा अलाउ द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द सिग्नल, अलाउ करता है मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल, ठीक है। इट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर ट्रांसमिटेड वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, बाय मल्टीप्लायर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मर्ज एंड देन ट्रांसमिटेड, बाय मॉड्यूलेशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एएम इन डिटेल एंड डेराइव द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ एएम ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे,
और उसमें टोटल पावर कंटेंट इन एम वेव वो भी आपसे पूछता है। तो द प्रोसेस ऑफ एम इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल ऑन एम वेव। इन द प्रोसेस ऑफ एम लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन इज सुपर इम्पोज अपॉन द कैरियर सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ द कैरियर सिग्नल। द इंफॉर्मेशन अंडर ट्रांसमिशन इज नाउ कंटेन्ड इन द एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो आप इसमें देखो दो सिग्नल लिया है, एक तो मैसेज सिग्नल लिया है इसमें, देखिए मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर सिग्नल है, और मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज हुआ तो हमारा एम्पलीट्यूड वेव है, ये ए एम वेव है हमारा, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव जिसको कहते हैं। इसमें आप देखिए आप एम्पलीट्यूड जो है कैरियर सिग्नल का वेरी कर रहे हैं, दिस इज आवर कैरियर सिग्नल, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, और इन द एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरी विथ रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। तो देखिए एम्पलीट्यूड जो कैरियर सिग्नल का, जैसे जैसे ये हमारा मैसेज सिग्नल है इसको देख के इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे देखिए हमारे कैरियर से एम्पलीट्यूड वेव जो है एम वेव है उसका भी हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, और जैसे जैसे एम मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड घट रहा है वैसे हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड भी घट रहा है। तो देखिए मैक्सिमम तक ये यहाँ पर गया है और ये जो इसकी वैल्यू है ये मिनिमम तक है, ठीक है, तो मैक्सिमम से मिनिमम तक जाता है। तो वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द एम वेव होगा, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा माना स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लिया मैसेज सिग्नल का वी एम साइन ओमेगा एम टी, ये हमारा मैसेज सिग्नल, और नीचे वाला जो हमारा स्टूडेंट है वो कैरियर सिग्नल है। तो एम वेव का जो इक्वेशन होगा वो होगा वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। देखिए इसमें जो है आपका ये जो है आपका ये आपका मैसेज सिग्नल है और ये आपका कैरियर सिग्नल है, और एम वेव में एम वेव का मान लिया इक्वेशन है कि ए साइन ओमेगा सी टी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है साइनोसाइडल वेव का। तो मैसेज सिग्नल को एम से डिनोट किया है वी एम साइन ओमेगा एम टी, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको वी एम से डिनोट किया है, तो हमारा माना है वी एम साइन ओमेगा एम टी, और कैरियर सिग्नल को माना है वी सी साइन ओमेगा सी टी, जो हमारा ए एम वेव होगा उसको माना है ए साइन ओमेगा सी टी, और वेयर ए ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ए एम वेव, और ये जो वेरी करेगा वो वी सी प्लस वी सी तो है ही कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और उसमें आ जाएगा वी एम साइन ओमेगा एम टी। अब देखिए साइन ओमेगा एम टी की जैसे कि वैल्यू आपको मालूम है, साइन ओमेगा एम टी साइन का कोई भी सिग्नल हो इसकी वैल्यू मैक्सिमम जो होती है माइनस वन से वन के बीच में वेरी करती है, माइनस वन से वन के बीच में वेरी करती है। तो उस हिसाब से जो ए एम वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा, तो मैक्सिमम तक ये जाएगा वी सी प्लस वी एम, जो ए एम वेव होगा उसकी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी वो वी सी प्लस वी एम होगा, क्योंकि साइन ओमेगा एम टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होता है स्टूडेंट वन, और साइन ओमेगा एम टी की जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस वन, जब आप माइनस वन पुट करोगे तो वी सी माइनस वी एम हो जाएगा। तो दिस इज द देखिए तो जो हमारा ए एम वेव का इक्वेशन आएगा वो कुछ स्टूडेंट ये आएगा, जब आप वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी करोगे, वी सी जब कॉमन लोगे ना कॉन्स्टेंट कॉमन लोगे तो वन प्लस वी एम अपॉन वी सी आ जाएगा, और इसी को कहते हैं मॉडुलेशन इंडेक्स वी एम अपॉन वी सी। तो मॉडुलेशन इंडेक्स क्या होता हो स्टूडेंट, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल और टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग मॉडुलेशन इंडेक्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकता है, डिफाइन द एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन एंड ड्रॉ द वेव शेप ऑफ द सिग्नल कैरियर एंड मॉडुलेटेड वेव। तो इसके पहले वाला जो है था फिगर स्टूडेंट वही है ये, तो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन मैंने आपको बताया है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरी, जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, और जो कैरियर सिग्नल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो होगा वी सी प्लस वी एम, और वी सी क्या है कैरियर सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और ठीक है वी एम जो है हमारा मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और जो ए एम वेव होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा एक बार जाएगा वी सी प्लस वी एम, एक बार जाएगा वी सी माइनस वी एम।
अब इसमें देख लो, एक्सप्लेन द स्क्वायर लॉ मॉडुलेशन फॉर द जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल, इसको आप लोग देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एएम सिग्नल इन डिटेल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इंपॉर्टेंट, डिफाइन द टर्म मॉडुलेशन इंडेक्स फॉर एएम। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, डेराइव द रिलेशन फॉर एएम वेव। तो मॉडुलेशन इंडेक्स क्या है, तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल और टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, दैट इज वी एम अपॉन वी सी। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल और टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड मॉडुलेशन इंडेक्स। मॉडुलेशन इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलेशन फैक्टर। मॉडुलेशन इंडेक्स को हम लोग मॉडुलेशन फैक्टर भी कहते हैं, या डिग्री ऑफ मॉडुलेशन, या डेप्थ ऑफ मॉडुलेशन। मॉडुलेशन इंडेक्स इज ए नंबर लाइंग बिटवीन 0 से 0.8 तक लाई करता है, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एम और एम ए। एक क्वेश्चन इस पर आ सकता है, मॉडुलेशन इंडेक्स पे आपको मैसेज सिग्नल का इक्वेशन दे देगा, कैरियर सिग्नल का इक्वेशन दे देगा, कह देगा मैसेज सिग्नल इज 5 sin ωmt एंड कैरियर सिग्नल इज 10 sin ωct, डिटरमाइन द मॉडुलेशन इंडेक्स फॉर द सिग्नल। तो मॉडुलेशन इंडेक्स के लिए आपको बस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल आपको देखना है। तो 5 sin ωmt अगर दिया है, एम से हो गया मैसेज और सी से हो गया कैरियर, तो 5 sin ωmt दिया है, तो 5 जो है आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, और उसी तरह उसका दिया है 10 sin ωmt, तो 10 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो 5/10 करेंगे तो आ जाएगा 0.5, या 50% हम कह सकते हैं उसका मॉडुलेशन इंडेक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिराइव द पावर रिलेशन फॉर एएम वेव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट द कैरियर कंपोनेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड द अनमॉडुलेटेड कैरियर। हाउ एवर, टू साइड बैंड कंपोनेंट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मॉडुलेटेड वेव। दो साइड बैंड के कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं मॉडुलेटेड वेव में। दस द मॉडुलेटेड वेव हैज़ मोर पावर दैन दैट हैड बाय द कैरियर बिफोर मॉडुलेशन। तो जो टोटल पावर होगा, द टोटल पावर इन द मॉडुलेटेड वेव इज गिवेन बाई PT इज़ द टोटल पावर, और PT बराबर जो आपका होगा वो होगा PC और प्लस PS। तो PT इज़ द टोटल पावर ऑफ द एम वेव, PC इज़ द कैरियर सिग्नल उसका पावर बैंड, और PS जो हमारा सिग्नल है उसका पावर है। और सिग्नल में दो सिग्नल होते हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो PT को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PC और प्लस PUSB और PLSB। और VM जो हमारा हो गया VM sin ωmt हो गया, और VC जो हमारा हो गया VC sin ωcd हो गया, और VRMS जो आपका होता है VC/√2। तो PC जो होगा V²R, पावर P इक्वल टू V²R। तो यहाँ से देखिए PC निकाला है, VRMS की वैल्यू पुट किया है VC/√2, और इसका स्क्वायर किया है। तो PLSB जो हमारा होता है स्टूडेंट, वो m²/4 PC है, और PLSB जो हमारा हो जाएगा वो mBC²/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और उतना ही हमारा PUSB होगा। तो दो टोटल पावर स्टूडेंट PT बराबर होगा, वो होगा PC, और PC जो आपका V²RMS/R प्लस 2 times आप कर दोगे, क्योंकि PUSB बराबर PLSB है, तो 2 times आप करके PUSB कर दो, ठीक है। तो टोटल जो पावर PT तुम्हारा आएगा V²C/2 और 1+m²/2, या इसको ऐसे भी कह सकते हो PT बराबर PC, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हो 1+, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, 1+m²/2। ठीक है, ये टोटल पावर हमारा हो गया एएम वेव का। ये फॉर्मूला एक बार आप लोग देख लीजिएगा, टोटल पावर इन एएम वेव। तो देखो यहां पर जो मैंने अभी लिखा था, इट इज द पावर रिलेशन बिटवीन द एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन वेव। तो PT बराबर PC, 1+m²/2। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिराइव द रिलेशन, डिराइव द करंट रिलेशन फॉर द एएम वेव।
तो करंट रिलेशन के लिए आप आईसी मान लोगे, ये कैरियर सिग्नल है जो उसका करंट है, आईटी इज द टोटल करंट ऑफ द एएम वेव। इफ़ आईसी एंड आईटी रिप्रेजेंट फॉर द एएम वेव अनमॉड्यूलेटेड एज अ कैरियर करंट एंड टोटल मॉड्यूलेटेड करंट आर, एंड आर इज द रेजिस्टेंस थ्रू विच दिस करंट फ्लो। तो अभी जो आपने प्रूफ किया स्टूडेंट, पी टी बराबर पी सी वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू, तो P की जगह पुट कर सकते हो I स्क्वायर इंटू टी इंटू आर, क्योंकि पावर P बराबर होता है I स्क्वायर R, या यहाँ पर पुट कर सकते हो I स्क्वायर C इंटू आर, और ये वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू यहाँ पुट कर देना, ये वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू यहाँ लिख देना। देखो R से R ये कट जाएगा, तो तुम्हारा ऐसे कर सकते हो I स्क्वायर T अपान I स्क्वायर C, देखो ये T है, और ये हो जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा आई टी अपॉन आई सी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू। देखो यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ टू होगा, इसको करेक्ट कर लेना, नीचे आर नहीं टू होगा। तो इट इज़ द करेंट रिलेशन फॉर द एएम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट इसमें है, क्वेश्चन नंबर 11, ए 400 कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 75%, फाइंड द टोटल पावर इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। टोटल पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भाई टोटल पावर निकालने के लिए पी टी बराबर पी सी वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 400 कैरियर, यानी आपको पी सी दिया है 400 वॉट, 400 वाट आपको पीसी दिया हुआ है। ये 400 कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 75%, डेप्थ मतलब हो गया उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी एम बराबर आपको दिया है 75%, या कह सकते हो 0.75। फाइंड द टोटल पावर, तो टोटल पावर के लिए पी टी बराबर आप करोगे पी सी और वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू। तो जब आप वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो पी सी की जगह पुट करोगे 400 और वन प्लस 0.75 का स्क्वायर और डिवाइड बाई टू करोगे, तो तुम्हारा देखो आ जाएगा 0.75 का जब स्क्वायर करोगे ना तो 0.5625 आएगा, और जब उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.28125 आ जाएगा, और जब 1 जो ऐड करोगे ना तो 1.28125 आ जाएगा। तो तुम्हारा पी टी आएगा 512.5 वाट, यानी 512.5 वाट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो स्टूडेंट, कि कह रहा है कि 75 मेगाहर्ट्ज़ कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दिया है 75 मेगाहर्ट्ज़, हैविंग एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 वोल्ट, यानी उसका एम्पलीट्यूड भी दिया है VC, इज मॉड्यूलेटेड बाय 3 किलोहर्ट्ज़ ऑडियो सिग्नल। तो यहाँ मैसेज सिग्नल या ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और उसका जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 20 वोल्ट दिया है, दैट इज़ VM। तो इसमें दो चीज़ आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स और व्हाट फ्रीक्वेंसी वुड बी देयर इन स्पेक्ट्रम एनालाइज बाय द मॉड्यूलेटेड वेव, और मॉड्यूलेटेड वेव जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। समझ में आ रहा है, कह रहा है कि 75 मेगाहर्ट्ज़ की कैरियर सिग्नल है, हैविंग एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 वोल्ट, और आपको
मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाला। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो निकालना आसान है। अभी मैंने बताया कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल और टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, दैट इज़ VM अपॉन VC। तो देखिए जो एम्पलीट्यूड जो दिया है मैसेज सिग्नल का वो 20 वोल्ट दिया है और कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड दिया है वो 50 वोल्ट दिया है। तो सिंपली आपको 20/50 करना है। तो वहाँ से आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगा 2/5, दैट इज 0.04 आएगा स्टूडेंट। 5/2 जब आप करोगे तो 0.4 आएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको सही कर लेना। ये गलत है, दैट इज इक्वल टू 0.4। अब आपको देखो 75 मेगाहर्ट्ज़ दिया है आपका कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और 3 किलोहर्ट्ज़ आपको दिया है ऑडियो सिग्नल दैट इज मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो 2πfm जब आप करोगे ओमेगा बराबर 2πfm, तो यहाँ से आपका fm की वैल्यू आ जाएगी 477.46 हर्ट्ज़, क्योंकि वो किलो हर्ट्ज़ में दिया हुआ है तो उसको हर्ट्ज़ में उसने बदल लिया है। और सिमिलरली आपको fc की वैल्यू भी निकल जाएगी, यानी आपसे यहाँ पर पूछा है व्हाट फ्रीक्वेंसी वुड बी देयर इन स्पेक्ट्रम एनालाइज बाय द मॉड्यूलेटेड वे, यानी आपको मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि डिटरमाइन दी पावर कंटेंट ऑफ द कैरियर, यानी आपसे PC पूछ रहा है कि डिटरमाइन द पावर कंटेंट ऑफ द कैरियर एंड ईच ऑफ द साइड बैंड ऑफ एन AM सिग्नल हैविंग अ परसेंटेज मॉड्यूलेशन ऑफ 80%। मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है आपको 80% एंड टोटल पावर दिया है 2500 वाट। टोटल पावर आपको दिया है 2500 वाट। सिंपल है, आपसे कैरियर सिग्नल का पावर पूछ रहा है, टोटल पावर दिया है 2500 वाट। तो इसके लिए देखिए आपको सिंपली फार्मूला तो आपको मालूम ही है, PT बराबर PC 1+m² / 2। PT टोटल पावर होता है, आपको दिया है 2500 वाट इजिकल टू PC 1+1+ और मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया 80% यानी 0.8 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो देखो PT बराबर PC, तो वही मैंने जो किया है 2500, तो यहाँ सॉल्व जो करोगे तो PC की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 1843। जब इसको सॉल्व करोगे तो 18.43 वाट आएगा। ठीक है, 18.43। और आपको ये भी मालूम है कि PT बराबर जो होता है वो होता है PC + PS। PT दिया है 2500 और PC आपने निकाला 1843 और प्लस PS, तो यहाँ से हमारा PS आ जाएगा 2500 और -1843। तो ये जो भी आएगा स्टूडेंट, ये टोटल सिग्नल का पावर आ जाएगा PS, और इसका 50-50 जब कर लोगे तो पावर ऑफ अपर साइड बैंड आ जाएगा और पावर ऑफ लोअर साइड बैंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा भी है आपसे डिटरमाइन द पावर कंटेंट ऑफ द कैरियर एंड ईच ऑफ द साइड बैंड, दोनों साइड बैंड का आपसे पावर पूछ रहा है। तो आपने जो PT बराबर PC + PS जब आप करोगे तो PS निकल जाएगा और PS बराबर होता है PLSB + PUSB, और PLSB लोअर साइड बैंड और PUSB अपर साइड बैंड, दोनों का पावर सेम होता है। तो अगर PS मालूम चल गया तो उसका आधा आधा हमारा हो जाएगा LSB USB। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो 14, इसमें देखो कह रहा है कि एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंटेन ए टोटल ऑफ 6 किलोवाट, मीन्स टोटल पावर आपको कह दिया दैट इज
पीटी बराबर आपको दिया है स्टूडेंट 6 किलोवाट। पीटी बराबर आपको दिया है 6 किलोवाट। ठीक है, कैलकुलेट द पावर बीइंग ट्रांसमिटेड एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड ईच ऑफ द साइड वेंड वेयर द परसेंटेज मॉडुलेशन इज 100%। क्या कह रहा है कि एन एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल है कंटेन अ टोटल ऑफ 6 किलोवाट, टोटल 6 किलोवाट का पावर है। कैलकुलेट द पावर बीइंग ट्रांसमिटेड एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड एट ईच ऑफ द साइड बैंड, परसेंटेज मॉडुलेशन दिया 100%, मतलब एम की वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है। सो यहां से सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे पीटी बराबर पीसी 1 + m² / 2, ये मेन फॉर्मूला है। पीटी बराबर दिया है 6 किलोवाट, तो 6 किलोवाट बराबर पीसी, और मॉडुलेशन इंडेक्स चूंकि 100% दिया है तो 1 + 1² / 2 करोगे तो 6 बराबर आपका हो जाएगा पीसी 3/2, तो पीसी की वैल्यू आएगी 6 × 2/3, यानी जो कैरियर सिग्नल आएगा स्टूडेंट उसका जो पावर आएगा दैट इज इक्वल टू 4 किलोवाट। देखो पीसी हमारा आ गया 4 किलोवाट। ठीक है, 4 किलोवाट ही तो आएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो पीसी दिया हमारा 6 है ना, ये 6 × 10⁻³ है, आप इसको कर लो ना 6 किलोवाट में ही रहने दो अभी पीसी, और × 3/2, तो पीसी बराबर जो हमारा आएगा वो आएगा 6 × 2/3 हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 सही है, तो पीसी बराबर जो हमारा आएगा 4 किलोवाट आएगा। ठीक है, तो पीसी बराबर अगर हमारा 4 किलोवाट आ गया तो पीटी, पीसी बराबर अगर हमारा 4 किलोवाट आ गया तो पीटी बराबर हमारा होगा पीसी प्लस पीएस, तो पीटी जो है वो 6 किलोवाट हो गया और ये 4 किलोवाट हो गया, तो पीएस हो जाएगा हमारा इस तरह से, तो पीएस बराबर हमारा स्टूडेंट आएगा 2 किलोवाट, तो हाफ हाफ हो जाएगा उसमें 1 1 किलोवाट। ठीक, सही है। ठीक है, तो देखो हमारा पी यू एस बी और पी एल एस बी, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जानिएगा इसको ज़रूर। पी टी बराबर हमारा होगा पी सी प्लस पी एस, पी टी बराबर पी सी प्लस पी एस, और पी एस बराबर जो हमारा होता है पी एस, यानी टोटल जो सिग्नल का पावर होगा वो पी यू एस बी और प्लस पी एल एस बी, इसमें दोनों होता है। ठीक है, जो सिग्नल का पावर होगा यू एस बी और एल एस बी, इसमें दोनों होगा, और जो पी यू एस बी होगा उसमें जो होगा पी एल एस बी भी होगा बराबर बराबर। तो अभी आप लोगों ने देखा इसमें कि पी टी आपको दिया था 6 किलोवाट और यहाँ पर आपने निकाला 4 किलोवाट और प्लस आपने यहाँ से पी एस कर दिया, तो पी एस बराबर आपका आ जाएगा 2 किलोवाट। अब पी एस जो हमारा अगर 2 किलोवाट है तो इसमें हमारा एल एस बी भी होगा यू एस बी भी होगा, और पी एस और एल एस बी यू एस बी देखा जाए तो आधा आधा इसमें होगा, तो 1 1 किलोवाट हमारा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन क्या है, ए एम वेव क्या है, पावर रिलेशन क्या है ए एम वेव का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा आप, डिराइव द रिलेशन, डिराइव द पावर रिलेशन फॉर द ए एम वेव, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा पी टी बराबर पी सी 1 + m² / 2, और इसी में करंट का भी पूछता है और वोल्टेज का भी पूछ सकता है, वोल्टेज का रिलेशन, डिराइव द वोल्टेज रिलेशन फॉर ए एम वेव, तो वोल्टेज रिलेशन भी आपका यही होगा वी टी अपॉन वी सी बराबर √1 + m² / 2, आर लिखा गया है यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, पावर पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर कर लीजिएगा तो वहाँ से निकल जाएगा, और इस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा स्टूडेंट, ए एम वेव पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा, टोटल पावर कंटेंट ऑफ ए एम वेव पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा।
तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इस पर। ओके, थैंक यू।